सर, हरियाणा में आजाद समाज पार्टी अपना राजनीतिक भविष्य किस तरह देखती है? देखिए, ये लोकतंत्र है, जनता जिसको आशीर्वाद देती है वही ताकत रखता है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर का और एक किसान का बेटा हूँ। मेरे बाप दादा का भी निधन नहीं थे, वो तो बच्चों को पढ़ाते थे और उनको सही रास्ता दिखाते थे। उस रास्ते से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि भारत में जिनके पास राजनीतिक शक्ति है वही लोगों का भला कर सकते हैं, वही नीतियाँ बना सकते हैं। हरियाणा का ये क्षेत्र जहाँ आज हम खड़े हैं सढ़ोरा, ये इस क्षेत्र में, ये क्षेत्र जो है जिस विकास के रास्ते पे जाना चाहिए था, कभी नेताओं ने इस तरफ नहीं देखा है। ये घाट ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ ना रोजगार के साधन है, ना अच्छा हॉस्पिटल है, ना कॉलेज है, ना ही और कोई सुविधा है। तमाम तरह से लोग यहाँ परेशान हैं और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी हमारा छोटा भाई सोहेल जो है इस बार यहाँ जनता के आशीर्वाद से जीत के जाएगा और यहाँ से यहाँ की जो समस्या है उनके लिए असेंबली में एक मजबूत आवाज़ बनेगा। और मेरा विश्वास, जिस तरह से हम लोग नगीना के जरिए देश की आवाज़ वहाँ पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, तो पूरे हरियाणा के लोग की आवाज़ बनने का काम सोहेल करेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। सर, एक लास्ट सवाल है, मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, आप यूपी से आते हैं और ये सारी का सारा प्रोपगंडा जो है अगर योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ है, जैसे बल्डोजर कार्रवाई जो है उसके ऊपर हो रहा है, तो इस पर आप इस शनाख्त को बचाने के लिए, मुस्लिम शनाख्त को, नमाज पर हमला हो या उनके मजहबी दाढ़ी के ऊपर, तो इसको बचाने के लिए आजाद समाज पार्टी क्या रोल अदा करेगी या कर रही है? हमला हुआ है, आप पूरी ईमानदार से बताओ कि सबसे मजबूत आवाज़ कौन सी थी जिसने उन हमलावरों का डट के सामना किया? क्या चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा कोई है? मैं मुसलमानों के साथ साथ सिखों, बौद्धिस्टों, ईसाइयों, जैनों, हर गरीब कमजोर के साथ जो हमला हो रहा है, चाहे उनकी धार्मिक आज़ादी पे हो रहा है, चाहे सामाजिक आज़ादी पे हो रहा है, चाहे उनके साथ बुलडोजर के जरिए आर्थिक जुल्म किया जा रहा है, मैं हर उस जो बुरी नीयत से जो उनके साथ अपराध किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ मजबूत आवाज़ बनके आज कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा रहूँगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक ताकत उनकी बने और सरकारें जो भाजपा जैसी सरकारें सत्ता में बैठी है जिनकी वजह से जुल्म हो रहा है, ये सत्ता ही, ये सरकारी सत्ता से उखड़े, इसका भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं।